गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं दिखा रही हूँ सुबह सुबह रौनित क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज ये पकड़ में आए हैं बहुत दिनों के बाद। हर बार भाग जा रहे थे। सबका सफाई हो गया, हम लोग का दिवाली का सफाई बचा हुआ है बस। ये ऐसे कौन साफ करता है भाई? दबे वो ये वाला से आप झोल साफ कीजिए, और जो एकदम प्लेन वाला है ना उससे दीवार वो कर दीजिएगा, ठीक है? बापरे। और यहाँ पे आरवी बैठ चुकी है, हम जा रहे हैं कुछ कुछ खाना जल्दी बना लेते हैं, और सफाई पूरा करना है आज। फुल सफाई होगा, डीप क्लीन होगा। आर यू रेडी आरबू? ये वाला जगह तो मैं क्लीन कर दी थी पूरा, अभी बस को सेट करना है कुछ कुछ। और ये देखिए कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। ये आरवी का घर कुंडा, पहली बार उसका दिवाली मनने जा रहा है। तो गाइस अभी मैं फटाफट जा रही हूँ काम करने के लिए, और काम ये है कि मेरा दाल चढ़ चुका है और आज बनेगा आलू गोभी का सब्जी। इसको मैं थोड़ा नए तरीके से बनाऊँगी आज, बहुत ही टेस्टी। और ये वाला भी दीदी पूरा क्लीन कर दी थी कल, और यहाँ ये वाला कबर्ड भी पूरा क्लीन कर दिया है, पेपर बिछा दी है उसमें अच्छे से। सावित्री दी नहीं होती तो मतलब प्रॉब्लम हो जाता, वो इतना हेल्प कर देती है मेरा। यहाँ पे हल्दी नमक मैं थोड़ा पानी में गरम कर ली, और ये जस्ट इसके ऊपर डालूंगी। हाँ अरवी, बस और तुरंत इसको निकालेंगे, ऐसा भी नहीं है बहुत देर तक रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बॉयल गोभी हमको एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब्जी में भी बॉयल होगा। और आपका इसके बाद मैं प्रोसेस आप लोग को थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि न्यू तरीके से बना रही हूँ तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाना, बहुत टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स इसको मैं ड्रेन कर दी हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आरवी मेरे पास है और रौनित उधर कर रहा है क्लीनिंग, और बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको क्लीनिंग को बोला जाए तो वो डीप क्लीन करते हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ते नहीं हैं। तो भी दरवाज़ा वगैरह सब साफ कर रहे हैं। बहुत मेहनती है बेचारा वो। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ, अगर हीरा आ जाता तो हीरा इसको पकड़ लेता, लेकिन हीरा चाचू कहाँ रह गए यार? भी हीरा को फोन करो तो, जल्दी फोन करो तो, बुला तो हीरा को, फोन करके बुला लो तो बेटा, जल्दी हेलो बोलो तो, हेलो फोन करके बुला लो, हेलो जल्दी। हाँ हेलो हीरा चाचू, जल्दी आओ, लेना है आरवी को। ठीक है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है बेटा। और जोर जोर से दाग के बोल दो, चाचू जल्दी आओ, देखिए बात कर रही है फोन पे हीरा से। हीरा को बुला तो, फोन करो जल्दी जल्दी कॉल करो, हेलो हेलो हेलो, जल्दी हेलो बोल दो तो बेटा, जल्दी जल्दी, दो तीन बार बोलना पड़ता है, अभी हम थक जाते हैं। हेलो बोल दो, हेलो हेलो हीरा चाचू जल्दी आओ, बोल दो तो एक बार, बोलो ना, हेलो हीरा, हेलो यार, इतना बार बोलते हैं ना हम थक जाते हैं, एक बार में नहीं सुनती। ओह उधर आ आ बेटा, तुमको अगर हम बिठा देंगे यहाँ पे तुम्हारे चेयर में तो अच्छा रहेगा। नो रिस्पॉन्स। इसको हम यहाँ पे बिठा दिए हैं, मूड ऑफ है क्योंकि जल्दी उठ गई थी। दिखा, बुलाओ बुलाओ, अब एक एक चिड़िया भी नहीं आएगा, कबूतर भी नहीं आएगा, एक बुला तो, आ ती 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 ती, ती। आ ती 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 बुला दो तो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, बाप रे जल्दी करने से मेरे ही पास आ रही है, तो मैं इसको फटाफट करती हूँ। यहाँ पे जो तीन आलू है इसको मैं हाफ बॉयल करूँगी, फुल बॉयल नहीं, ठीक है? और ये रहा गोभी, तो इसका आगे का मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं डाल ली हूँ पूरा, उसके बाद आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा आटा, रेड चिली पाउडर कश्मीरी वाला, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा नमक, बस यही आटा आप लोग देने के लिए, थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने अच्छे से करके उसको मिला दिया है, और इसमें मैं करूँगी सेलो फ्राई, नहीं बोल सकते हैं इसको, जस्ट मैं वो करूँगी क्योंकि ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी। तो आप लोग चाहे तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, सेलो फ्राई करने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा होगा। तो दिखाते हैं,
ये देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ। और इसको पूरा फुल फ्लेम में आप लोग कर सकते हैं, लो फ्लेम में, क्योंकि इसको पकाना नहीं है, बस मुझे हल्का हल्का इसको कलर लाने तक फ्राई करना है। कोई भी चीज़ को देखिए ये ऐसे फ्राई कर ली हूँ और यहाँ तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दिया एक तेज पत्ता, थोड़ी सी जीरा, देखिए मैं इसमें दे दी हूँ टमाटर और प्याज, सॉरी टमाटर बोल रही हूँ, प्याज दे दी हूँ। प्याज फ्राई हो जाने के बाद जाएगा आपका टमाटर। प्याज देखिए ऐसा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। गाइस इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक और जीरा पाउडर देखिए, अब इसको फ्राई होने देंगे, उसके बाद सब ऐड कर देंगे। बस बन गया यार, और नहीं बना पाऊंगी ये ब्लॉग, मतलब आलू गोभी का ब्लॉग, इतना तो समझ ही गए। मेन तो यही था आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग ये सब कर लेना खुद से। देखिए अब मैं इसमें सब कुछ ऐड कर दी हूँ, लास्ट में सोची दिखाई देती हूँ आप लोगों को, और सब मसाला पूरा फ्राई हो जाना चाहिए अच्छे से। मसाला जितना फ्राई होगा गाइस टेस्ट उतना ही इनहेंस होता है, टेस्ट उतना अच्छा आता है। तो सारा खेल मसाला फ्राई होने का ही है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि हम लोगों के पास है दाल, तो मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही, एकदम थोड़ा सा, ताकि इसमें पक जाए। और थोड़ा पानी दूंगी और ढक दूंगी बस। हीरा तब से उसको बुला रहा है, वो आ नहीं रही है, सब सामान नीचे गिरा, उल्टा वही बुला रही है आपको। अच्छा हेलो कर दो तो, अरवी हेलो हेलो, फोन से बुला लो, फोन से बुला लो। हाँ एक हाथ से फोन करते, दोनों हाथ से करते। हेलो हेलो कर दो तो, अरवी ताता भगा रही है, भगा दे रही उन्हें, जल्दी 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 पकड़ 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 आ रही को, पकड़ आ रही को। फाइनली फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत क्या, पूरा फुल्ली साफ सफाई हो गया है घर का, और बहुत अच्छा लग रहा है अब। और मेरा हालत इतना ख़राब लग रहा है देखने में, एक्चुअली रौनक फिर से बाहर निकले हैं काम से, और मैं घर पे हूँ। एक सेकंड कैमरा क्लीन करना पड़ेगा, मैं घर पे हूँ। और मैं जो कर रही थी वो है आरवी का जो घर कुंडा है, उसको मैं थोड़ा सा सजाने का कोशिश की, लेकिन क्या ही हो गया पता नहीं, दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह था, और इसको थोड़ा डिजाइन लिख दिया, हैप्पी दिवाली आज भी लिखी हूँ, और ये सीढ़ी को थोड़ा कलर कर दी, क्योंकि एक ही कलर में था तो सुंदर नहीं लग रहा था। मैं सोची थी कुछ और मेरे पास रहता ना, तो और सुंदर सा सजा देते इसको, और अच्छा बना सकते थे। और आज यहाँ सो रही है, और देखिए ये मैंने नया बेड कवर लगाया है, उसी में सो रही है, और इस रूम में नया बेड सेट किया, वो सब सब आरवी रख के गई है वहाँ, ये पूरा नया बेड सेट बिछाया हूँ पूरा। तो फाइनली मैंने देखिए यहाँ भी ठीक किया, ये वाला मैंने कवर लगाया, नीचे पूरा क्लीन किया, इसको पूरा क्लीन किया, और ये वाले जगह को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा जो कल कर देंगे। अभी तो सामान वामान आके रखा हुआ है दिवाली का, तो फटाफट अब ये हो गया है। मुझे नहाने जाना है, लेकिन मैं नहाने कैसे जाऊँगी, आरवी को वहाँ पर सुला के वो कभी भी उठ जाएगी। देखिए तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग नहा लिए हैं, और टाइम हो गया 4 बज रहा है, क्योंकि अभी 4:15 हो गया, नहीं 4:13 हो गया, हाँ वही 4:15। तो आप अभी अभी रौनित आए थोड़ा देर, आधा घंटा पहले, इसलिए भी लेट हो गया, क्योंकि इनको जाना था गिफ्ट देने के लिए लोगों को, गिफ्ट हैम्पर देके आ गए। घर का काम, फिर ऑफिस का काम, सब कुछ करना, हार्ड वर्किंग, मैनेज मैनेज। तो जो भी हो, हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने, और खाना खा के फिर जाएंगे कल जिस काम से गए थे, मतलब आज धनतेरस है, तो धनतेरस का सामान लेने। और आप लोगों सबको हैप्पी धनतेरस, और दिवाली भी आने वाला है, तो आज हैप्पी दिवाली, दिवाली बाद में बोलेंगे। सबसे बड़ा बात है कि धनतेरस इस बार 2 दिन पड़ा है, आज भी है 10 तारीख, ह्यूज टाइम है लोगों के पास, नहीं तो रस बहुत होता है। 2 दिन धनतेरस, कल 12:30 बजे तक ही रहेगा, कल सुबह है 11 तारीख को। तो आप लोग भी धनतेरस एंजॉय कीजिए, हम लोग भी धनतेरस एंजॉय करना है। फ्रेंड्स देखिए अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और ये वही आलू गोभी का सब्जी है टेस्टी वाला, जो रौनित खा के ही बताएंगे, अभी उनका फोन आ गया तो चले गए, बहुत टेस्टी, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये मैंने बनाया है दाल तड़का, और सिंपल सा चावल, अचार ले ली हूँ, बस यही हम लोग का लंच होने वाला है, खाते हैं और निकलते हैं मार्केट। फ्रेंड्स देखिए अभी बहुत शाम हो गया, मतलब 6 बजने जा रहा है ऑलमोस्ट, और अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, निकल रहे हैं मार्केट, वहीं जा रहे हैं जहाँ कल गए थे
वहां से सामान लेके आने के लिए जो धनतेरस के लिए हम लोगों ने लिया है। तो बस अभी निकल रहे हैं, अगर टाइम मिला मौका मिला तो जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं अपना मंजिल में, पीछे ही है और ये मेन रोड पे है, रांची का मेन रोड के ऊपर। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके शुभ शुभ काम करते हैं और उसके बाद घर जाके आप लोग से बात भी करते हैं। ये कौन सा आइसक्रीम है भैया? वनीला। अच्छा, वनीला आइसक्रीम, और नीचे बादाम शेक है ना वाला? ये बादाम शेक विद वनीला आइसक्रीम है, 30 रुपये का ग्लास, 30 रुपीज ग्लास। ये फिरायलाल चौक के पास भैया लगाते हैं, देखिए ठीक जो पार्किंग है फिरायलाल चौक के पास वहीं पे भैया लगाते हैं। हाँ नहीं डाले, देखिए फ्रेंड्स दिवाली का नजरिया देखिए, एकदम नजर हटेगा नहीं, इतना सुंदर लग रहा है। हर जगह लाइट्स और लाइट्स है, देखिए यहाँ पे लाइट, वहाँ पे लाइट, वहाँ सब लाइट लगा है। ये फ्लैट भी अभी कल तक हमको लग रहा सजा देगा पूरा, वहाँ देखिए लाइट्स। हम लोग का फ्लैट का लाइट्स सब लोग बाहर से दिखाई दिए थे और ये हम लोग लगा दिए है बैल्कनी में भी अपना लाइट सब। देखिए टोटल हम लोग का 3 बैल्कनी है यहाँ पर, तीनों में ऐसा लाइट लगा दिया और बाहर से फ्लैट तो सजा गया है, बाकी आसपास का नजरिया बहुत ही सुंदर है। देखिए हाँ देखिए ये लोग लगा रहे हैं अभी, देखिए भैया लगा रहे ऊपर, हमेशा लास्ट में लगाते हैं। और ये हमको लगता है कि कल से चालू हो जाएगा, ये लोग अभी पूरा फ्लैट सज जाएगा। ऐसे इंडिविजुअली तो बैल्कनी में लगाए है सब कोई, ये पूरा बिल्डिंग सज जाएगा, वहाँ सब सज गया है ऑलरेडी, और भी कल तक और 2-3 को बिल्डिंग जो दूर दूर में आप लोगों को दिख रहा है वो सब सज जाएगा और सब जगह लाइट्स और लाइट से दिखेगा कल से, क्योंकि अभी क्या आ रहा है, अभी दिवाली आ रहा है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और पटाखा का भी फेस्टिवल है ही है। देखिए ये लोग कितना मस्त लगा, एकदम लाइन से इतना 1 इंच का गैप छोड़ छोड़ के लगाया टोटल, और चारों तरफ एक साइड आप देख रहे हैं सामने भी लगाते हैं लोग, टोटल ऐसे सजाते हर साल। और देखिए पटाखा फूटने का आप लोग आवाज आ रहा होगा, अभी दिवाली अभी भी कितना 2 दिन लेट है, 2 दिन अभी भी है दिवाली आने में, आज धनतेरस है तो फिर भी आज से ही पटाखा फूटना चालू हो गया है। और लाइट तो है ही है जैसे आप लोग को दिखा है, आर भी यहाँ पे है, आर भी को इतना मजा आ रहा है ना, सब लाइट खींचना चाह रही है, लाइट सर्विस को बहुत मजा आ रहा है, हर टाइम देखना चाह रही है, हर टाइम खींचना चाह रही है वो। कॉल कर दे रहा,
तो फ्रेंड्स हम लोगों का डिनर हो चुका है और मैं अभी धीरे बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आरबी सो गई है और ज़्यादा ज़ोर से बोलने से वो उठ जाएगी। तो डिनर भी कंप्लीट हो गया और बस अब मुझे वेट करना है 12 बजने का क्योंकि आज है धनतेरस और आज के दिन ही निकलता है जम का दिया। जो लोग जम के दिया के बारे में नहीं जानते वो लोग देख लीजिएगा क्योंकि वो जम का दिया निकालना होता है। क्या होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं पता करके बताऊँगी, लेकिन मम्मी लोग निकालती है उसको। वो दिया को कोई देख नहीं सकता है, वो शायद दक्षिण उत्तर या दक्षिण के साइड में ये करना पड़ता है, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है और निकाल के आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप अंदर आ जाना होता है। क्या होता है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मम्मी कुछ बताई थी वो भूल गए। तो मैं एक बार फिर भी रिसर्च करके आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी मुझे 12 बजे वो जम का दिया निकालना होगा और वो दिया पहले तो जो होता था गोबर का दिया, जो गाय का गोबर होता है उसका दिया बनता था, लेकिन वो तो यहाँ मिल नहीं सकता है। और तो मम्मी बोलिए कि जो यूज़ हो चुका दिया होता है उसको निकालना होता है सरसों का तेल से। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आटे का दिया बना करके आप उस पर निकाल सकते हैं। तो मेरे पास तो यूज किया हुआ दिया है तो मैं उसमें निकाल दूँगी। तो बस गाइस अभी 12 बजे तक वेट करना है, वो रात में ही होता है। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला वीडियोस बहुत एक्साइटेड होने वाला है। अभी आपको कुछ दिन के बाद, अभी से लगा लीजिए 4 दिन के बाद आरबी का बर्थडे आने वाला है, 1 ईयर की हो जाएगी, तो उसका भी बहुत तैयारी चल रहा है, छठ का तैयारी चल रहा है, दिवाली तो चल ही रहा है। तो बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा, तो बने रहिए इस ब्लॉग में और ब्लॉग को जो लोग पूरा नहीं देखते हैं प्लीज़ एंड तक देखिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।